नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। कोरोना से देश में अब तक 11,487 केस, लगातार दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा मरीज मिले। कर्नाटक के हुगली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉकडाउन के बीच मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के हेल्थ चेकअप का किया काम शुरू। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोकी, ट्रंप ने कहा संगठन ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 1,26,000 की मौत, अमेरिका में 24 घंटे में 2,407 लोगों ने दम तोड़ा। अर्थव्यवस्था पर कोरोना की मार, IMF ने कहा दुनिया में 90 साल पुरानी मंदी के बाद सबसे बड़ी गिरावट संभव। कोरोना का असर, लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने से IPL फिर टला। लॉकडाउन के चलते इस बार मध्य प्रदेश में नहीं होगा आईफा अवार्ड। यूपी के 43 जिलों में 657 कोरोना संक्रमित, सरकार ने कहा लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराएंगे। आंध्रा में मजदूरों को गुमराह करने वाले 1,000 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज, एक हिरासत में। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने रणनीति में किया बदलाव, आज जारी होंगे नए दिशा निर्देश। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।